हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी स्टफ यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर के साथ। दोनों ही चिपसेट फ्लेक्सी 5G चिपसेट है और सैमसंग एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर सैमसंग S21 सीरीज में यूज हुआ है, जबकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर अभी किसी भी मोबाइल में देखने को नहीं मिला है। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की। तो यहाँ दोनों ही प्रोसेसर जनवरी 2021 में लॉन्च हुए हैं। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना है, जबकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना है। आपको पता है जिसकी जितनी कम फैब्रिकेशन प्रोसेस होगी वो उतना ही पावर इफिशियंट होगा। तो यहाँ पावर इफिशियंट में सैमसंग एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर बेहतर है डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर से। बात करें सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स की तो दोनों ही प्रोसेसर 64-bit आर्किटेक्चर के साथ आते हैं और दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर है। तो यहाँ सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर में कोई भी अंतर नहीं है दोनों प्रोसेसरों में। सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 1+3+4 बिग प्लस लिटिल आर्किटेक्चर के साथ आते हैं, जिसमें एक्जिनोस 2100 की अल्ट्रा कोर आती है ARM कॉर्टेक्स X1 कोर्स के साथ, जो क्लॉक्ड है 2.9 GHz पर, जबकि डायमेंसिटी 1200 ARM कॉर्टेक्स A78 अल्ट्रा कोर के साथ आता है, जो क्लॉक्ड है 3 GHz पर। अगर बात करें सुपर कोर की तो दोनों ही प्रोसेसर ARM कॉर्टेक्स A78 के साथ आते हैं, जिसमें एक्जिनोस 2100 क्लॉक्ड है 2.8 GHz पर, जबकि डायमेंसिटी 1200 क्लॉक है 2.6 GHz पर। अगर बात करें एफिशिएंसी कोर की तो दोनों ही प्रोसेसर ARM कॉर्टेक्स A55 कोर्स के साथ आते हैं, जिसमें सैमसंग एक्जिनोस 2100 चिपसेट क्लॉक्ड है 2.2 GHz पर, जबकि डायमेंसिटी 1200 चिपसेट क्लॉक्ड है 2 GHz पर। तो यहां सीपीयू परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में एक्जिनोस 2100 बेहतर है, क्योंकि ये ARM कॉर्टेक्स X1 के साथ आता है और साथ ये 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना है। जीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्जिनोस 2100 चिपसेट लेटेस्ट ARM माली G78 MP14 जीपीयू के साथ आता है, जबकि डायमेंसिटी 1200 लास्ट जनरेशन ARM माली G77 MC9 जीपीयू के साथ आता है। दोनों ही प्रोसेसरों में जीपीयू फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ जीपीयू में एक्जिनोस 2100 चिपसेट बेहतर है डायमेंसिटी 1200 से। अब बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो एक्जिनोस 2100 ट्रिपल कोर NPU के साथ आता है, जो कि मैक्सिमम 26 टेरा ऑपरेशन पर सेकंड्स को सपोर्ट करता है, जबकि डायमेंसिटी 1200 6 कोर NPU 3.0 के साथ आता है, साथ ही यह हाइपर इंजन 3.0 के साथ भी आता है। तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्जिनोस 2100 बेहतर है डायमेंसिटी 1200 में, क्योंकि डायमेंसिटी 1200 में अभी लास्ट जनरेशन के AI इंजन का यूज किया गया है। तो बात करें रैम सपोर्ट की तो दोनों ही प्रोसेसर क्वाड चैनल रैम सपोर्ट करते हैं, साथ ही एक्जिनोस 2100 LPDDR5 रैम सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2750 मेगाहर्ट्ज है, और साथ ही LPDDR4X रैम को भी सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज है, जबकि डायमेंसिटी 1200 LPDDR4X रैम को ही सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज है। दोनों ही प्रोसेसर 16 GB तक की रैम को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर रैम सपोर्ट में एक्जिनोस 2100 बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट जनरेशन की LPDDR5 रैम का यूज हुआ है। स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर सभी टाइप के स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं, जैसे EMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 3.1। तो यहाँ स्टोरेज सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें तो एक्जिनोस 2100 4K तक की डिस्प्ले सपोर्ट करता है, वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, साथ ही क्वाड SD+ तक की डिस्प्ले 144Hz तक की रिफ्रेश रेट के साथ सपोर्ट करता है। तो बात करें डायमेंसिटी 1200 चिपसेट की तो ये फुल SD+ तक की डिस्प्ले मैक्सिमम 168Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ सपोर्ट करता है, साथ ही क्वाड SD+ तक की डिस्प्ले 90Hz के साथ सपोर्ट करता है। दोनों ही प्रोसेसर SDR10 डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ डिस्प्ले सपोर्ट में एक्जिनोस 2100 सुपीरियर है डायमेंसिटी 1200 से, क्योंकि ये 4K तक की डिस्प्ले सपोर्ट करता है। कैमरे सपोर्ट की अगर बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर 200 MP तक के सिंगल कैमरे को सपोर्ट करते हैं। अगर बात की जाए डुअल कैमरे की, एक्जिनोस 2100 32+32 MP का डुअल कैमरा सपोर्ट करता है, जबकि डायमेंसिटी 1200 32+16 MP का डुअल कैमरा सपोर्ट करता है।
करता है। तो यहाँ कैमरे सपोर्ट में सिंगल कैमरे में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है, जबकि ड्यूअल कैमरे में एक्जिनोस 2100 बेहतर है डायमेंसिटी 1200 से। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात की जाए तो एक्जिनोस 2100 8K के वीडियो 60fps पर, 4K वीडियो 120fps पर, 1080p के वीडियो 120fps पर, साथ ही 720p के वीडियो 240fps पर रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि डायमेंसिटी 1200 4K वीडियो 60fps पर, 1080p 120fps पर, जबकि 720p 240fps पर रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ ओवरऑल वीडियो कैप्चर में एक्जिनोस 2100 बेहतर है, क्योंकि यह 8K तक के वीडियो को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम के साथ आते हैं, जिसमें एक्जिनोस 2100 चिपसेट MM वेव को सपोर्ट करता है, जबकि डायमेंसिटी 1200 चिपसेट MM वेव को सपोर्ट नहीं करता। एक्जिनोस 2100 में मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 7.3 GBPS, जबकि मैक्सिमम अपलिंक स्पीड 3.67 GBPS है, जबकि डायमेंसिटी 1200 में मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 4.7 GBPS, जबकि मैक्सिमम अपलिंक स्पीड 2.5 GBPS है। साथ ही दोनों ही प्रोसेसर वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 को भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ कनेक्टिविटी में एक्जिनोस 2100 सुपीरियर है डायमेंसिटी 1200 से, क्योंकि एक्जिनोस 2100 MM वेव को सपोर्ट भी करता है। अगर एंटूटु बेंचमार्क की बात की जाए तो एक्जिनोस 2100 अप्रोक्सीमेटली 678,000 का स्कोर अचीव करता है, जबकि डायमेंसिटी 1200 623,000 का स्कोर अचीव करता है। तो यहाँ एंटूटु बेंचमार्क में एक्जिनोस 2100 बेहतर है डायमेंसिटी 1200 से। अगर गीगबेंच स्कोर की बात की जाए तो एक्जिनोस 2100 सिंगल कोर में 1089 जबकि मल्टी कोर में 3963 का स्कोर अचीव करता है, जबकि डायमेंसिटी 1200 का अभी गीगबेंच स्कोर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ अभी कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है। अगर बात की जाए स्मार्टफोन की तो एक्जिनोस 2100 के साथ सैमसंग की S21 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जबकि डायमेंसिटी 1200 के साथ अभी कोई भी स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये था कंपैरिजन सैमसंग एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर के साथ। मुझे लगता है कि एक्जिनोस 2100 चिपसेट सभी एस्पेक्ट में मीडियाटेक 1200 चिपसेट से सुपीरियर है, चाहे सीपीयू परफॉर्मेंस हो, चाहे जीपीयू परफॉर्मेंस हो, चाहे कैमरा परफॉर्मेंस हो। अगर इस बैटल के विनर की बात करें तो यहाँ एक्जिनोस 2100 क्लियरली विनर है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।